हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट के एक रिसर्च के हिसाब से हमारा जो अटेंशन स्पान है या जो फोकस करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो कम से कम 7 से 8 सेकेंड है, जो कि वर्ष 2000 में ये कम से कम 12 सेकेंड की हुआ करती थी। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी फोकस करने की जो कैपेसिटी है, हमारा जो अटेंशन स्पान है, वो कम होता जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो हमारी आने वाली अपकमिंग जनरेशन है, जब हमारा अटेंशन स्पान कम होता जा रहा है दोस्तों, तो आगे आने वाले समय में ये अटेंशन स्पान और कम होता जाएगा। अटेंशन स्पान कम होने की वजह से दोस्तों हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा जो माइंड है वो वीक माइंडेड लोग आज की सोसाइटी में ज़्यादा लोग निकल के आ रहे हैं। तो एक देश के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि आने वाले समय में अगर हमारी जो जनरेशन अगर वो वीक माइंडेड रहेगी तो जिस प्रकार का सपनों का भारत हम निर्माण करना चाहते हैं वो बड़ा मुश्किल होगा दोस्तों। पहले हमारा देश एक विश्वगुरु था, क्योंकि पहले के हमारे जितने भी योग थे, हमारे ऋषि मुनि थे, पहले के जितने हमारे वैदिक कल्चर के जितने लोग थे, वो माइंडफुल काफ़ी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, दे आर वेरी थॉटफुल पीपल। बट धीरे धीरे ये जो फोकस है, हमारा अटेंशन स्पान है, वो हमारा जो माइंड है वो वीक होता जा रहा है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आज हम टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ व्हाट इज, टॉपिक का नाम है व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस इन अवर डेली लाइफ। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है दोस्तों, मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ और एक मेंटर हूँ। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम सभी लोग को पता होगा कि हम सभी लोग 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं, और ये जो समय है, ये जो सदी है, इसको कहा जाता है दिस इज़ एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स। तो ये जो समय है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मशीनों का समय है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय है। और डेली बेसिस पे हम देखते हैं दोस्तों कि रोज़ कहीं ना कहीं नया टेक्नोलॉजी निकल के आता है, नई फीचर्स निकल के आते हैं, हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर एक चिंता का विषय यह है दोस्तों कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो मशीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो दिनों दिन एडवांस होती जा रही है, बट एज ए ह्यूमन जो हमारे जो हमारा लेवल है वो कम होता जा रहा है दोस्तों। और ये एक बहुत चिंता का विषय है दोस्तों कि मशीन्स जो हैं ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं और हम एज ए ह्यूमन वी आर बिकमिंग डम डे बाई डे। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। और दूसरा एक ये भी बात है दोस्तों कि जैसे कई प्रकार की मशीन्स हैं, मशीन्स का पर्पस था कि मशीन्स को हम यूज़ करें अपने एडवांसमेंट के लिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए। बट कई प्रकार की ऐसी मशीन्स हैं दोस्तों, कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके अंदर इमोशंस हैं, जिनके अंदर माइंड प्रोग्रामिंग है, और वो जो ऐसी मशीन जिनके अंदर माइंड प्रोग्रामिंग है वो एज ए ह्यूमन हमारे ह्यूमन माइंड को भी इफेक्ट करती है, हमारे ह्यूमन इमोशंस को भी इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपको पता होगा सोशल मीडिया जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आज के समय में, तो सोशल मीडिया का जो प्रोग्रामिंग है दोस्तों उसके अंदर इमोशंस है, और ऐसे इमोशंस हैं जो एज ए ह्यूमन के हमारे माइंड को भी इन्फिल्ट्रेट करती हैं, हमारे इमोशंस को भी इफेक्ट करती हैं। इसीलिए दोस्तों सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि लोग जब यूज़ करते हैं तो कई लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, या हम मूवीज़ देखते हैं अगर इमोशनल मूवीज़ आती है तो हम दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस जो हैं वो सोशल मीडिया और इस प्रकार की और कई जो मशीन्स हैं उनके द्वारा निर्धारित होती हैं, उनके द्वारा प्रभावित होती हैं। और ये जो सोशल मीडिया के जो ओनर्स हैं, जो इनको चला रहे हैं, वो इसकी हमारे इन इमोशंस को यूज़ करके अपना पैसा कमाने का तरीका या अपने प्रोपोगंडा, अपने एजेंडा स्कूरन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज कम से कम पूरे विश्व में एक आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो कम से कम 210 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो कि सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं। यूनाइटेड स्टेट में एक रिसर्च के हिसाब से अगर हम बात करें तो कम से कम हर 10 में से कम से कम 4 युवक ऐसे हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है क्योंकि सोशल मीडिया से एडिक्शन। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो हमारा डेली लाइफ है इन सब एक्टिविटी से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि अगर हम इसको समझने का प्रयास करें कि हमारे जो डेली लाइफ में हम कई प्रकार के थॉट्स, कई प्रकार के इमोशंस, कई प्रकार की फीलिंग्स हमारे माइंड में आते हैं, कुछ अच्छी फीलिंग आती हैं, कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट आते हैं, बट कुछ नेगेटिव थॉट भी आते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स भी आते हैं
जिनका हमारे काम से, जिनका हमारे आज के लाइफ से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, पर फिर भी वो जब थॉट्स हमारे माइंड के अंदर जब आते हैं तो उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, और उन फीलिंग्स की वजह से हमारा फोकस, हमारा अटेंशन अपने काम पर ना रखकर, अपनी पढ़ाई पर ना रखकर, अपने बिजनेस पर ना रखकर वेस्ट उन चीज़ों पर रहता है दोस्तों, जो कि अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं। तो ये समझने की बातें हैं दोस्तों, ये बहुत समझने की बातें हैं, बहुत चिंता का विषय है कि जब थॉट्स और जब फीलिंग्स आती हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हमें पता नहीं रहता कि हमें कैसे एक्ट करना है, हम पूरी तरीके से उन थॉट्स और उन फीलिंग्स के दया के ऊपर रहते हैं, उनके मर्सी के ऊपर रहते हैं कि जैसा थॉट्स घुमाएंगी, जैसा माइंड घुमाएगा, जैसी फीलिंग्स हमें नचाएंगी, हम उसी तरीके से एक्ट करेंगे, हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं उस सिचुएशन के अंदर। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें समझना होगा दोस्तों कि लाइफ के अंदर जब इस प्रकार के जब फेजेस आते हैं, जब माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट या इस प्रकार की जब फीलिंग आती है, तो इसको किस प्रकार से ओवरकम किया जाए, इसको किस प्रकार से दूर किया जाए, क्योंकि हमारा जो भी हमारा वर्क है, हमारा परफॉर्मेंस है, चाहे हमारा रिलेशनशिप है दोस्तों, इन सारी एक्टिविटी से बहुत प्रभावित होता है। दोस्तों जैसा पता होगा कि आप देख रहे हैं कि हम देख रहे होंगे कि रिलेशनशिप्स के अंदर भी देखते हैं कि कई प्रकार से रिलेशनशिप की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है, और वर्किंग के अंदर भी देख रहे हैं दोस्तों कि काम के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर भी देख रहे हैं कि कई जो लेवल है वो धीरे धीरे मेंटेन नहीं हो पा रहा, वर्क का जो लेवल वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हम माइंडफुल नहीं हैं, हम अपने काम को करते वक्त कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है। हम एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करने टेबल पर जाता है, जब किताब खोल के पढ़ता है, तो उसको 25 साल आगे की चिंता याद आती है कि मेरा क्या होगा, या मुझसे पिछले में मेरे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियस, वी आर नॉट अवेयर। और इसकी वजह से दोस्तों जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारा जो हम कर सकते हैं, जितना हम अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा हम नहीं कर पाते, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर, वी आर लिविंग ए मैकेनिकल लाइफ। रिलेशनशिप में भी हम मैकेनिकल रिलेशनशिप निभाते हैं दोस्तों, चाहे पढ़ाई करना हो तो उस समय भी हम मैकेनिकल स्टडी करते हैं, चाहे हम जॉब भी करते हैं दोस्तों तो उस समय हम मैकेनिकल स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिकल तरीके से जॉब कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा लाइफ पूरी तरीके से इफेक्टेड होता है एक मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ की वजह से। इसीलिए दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। डेली बेसिस पे हमें माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना, अपने आप को माइंडफुल बनाना, अपने आप को थॉटफुल बनाना, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर बनाना, कॉन्शियस बनाना अपने आप को, अपने आप को जो वेस्ट के जो जजमेंटल थॉट्स हैं, क्रिटिकल थॉट्स हैं, बायसेस हैं, प्रेजुडाइसेस हैं, इनसे अपने आप को दूर करना, ये बहुत आवश्यक है आज के समय, बहुत आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों वी सजेस्ट एवरीवन कि आप अपने लाइफ से 10 मिनट 15 मिनट का समय निकाल कर आप जो है मंत्रा मेडिटेशन करिए, हरे कृष्णा महामंत्रा का चैंटिंग करिए, और ध्यान से उस हरे कृष्णा महामंत्रा के साउंड वाइब्रेशन के ऊपर फोकस करिए विद फुल अटेंशन एंड डिवोशन। देन बाय दिस प्रैक्टिस, अगर हम इसको डेली बेसिस पर, अगर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग में दोस्तों, तो यकीन मानिए दोस्तों कि अगर हम एक महीने पर अगर इसको हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लाइफ में हम वी कैन फील द चेंज इन अवर लाइफ। बट इस चेंज को फील करने के लिए सबसे पहले हमें इसको प्रैक्टिस करना होगा, इसको अपने लाइफ में रेगुलर बेसिस पर हमें इसे करना पड़ेगा, तो तभी जाकर हम माइंडफुल बन पाएंगे दोस्तों, तभी हम जाके अपने पढ़ाई में, अपने स्टडीज में, अपने जॉब के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर हम कॉन्शियस हो पाएंगे। नहीं तो पूरा जिंदगी, पूरा एक लाइफ का एक अच्छा खासा जो समय है दोस्तों, वो थॉट्स में एक तरीके से खो जाएगा दोस्तों, माइंड के अंदर ही खो जाएगा, चिंताओं के अंदर खो जाएगा, वी विल नॉट एबल टू कॉन्शियस, वी विल नॉट अवेयर। इसलिए दोस्तों समय निकाल कर अगर 15 से 20 मिनट के लिए अगर हम हरे कृष्णा महामंत्रा को हरे कृष्णा महामंत्रा का जो मंत्रा मेडिटेशन है अगर इसको हम प्रैक्टिस करते हैं और माइंडफुलनेस को अपने लाइफ में अगर हम इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, देन दिस इज द नीड ऑफ आवर। बट बड़े दुख की बात है दोस्तों कि जब हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि आप चैंटिंग करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप मंत्रा मेडिटेशन करिए, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये वेस्ट ऑफ, ये सब बेकार का काम है, इनएक्टिव लोगों का काम है, या इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरी कई जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे कई प्रकार के काम कर रहे हैं। ये दोस्तों जो भी लोग इस प्रकार का जिनका ऐसा मेंटेलिटी है कि मुझे बहुत पढ़ाई करना है, मुझे बहुत जॉब करना है, मेरी रिलेशनशिप्स हैं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, उनको ये पता नहीं दोस्तों कि माइंड जो है हमारी लाइफ का एक सेंट्रल रोल है। क्योंकि आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ कोई भी काम कर रहे हो दोस्तों, हर उस एक्टिविटी के अंदर माइंड हमारा इन्वॉल्व है। तो अगर हम जैसे अगर बॉडी को फिट नहीं रखें दोस्तों, तो हम ज़्यादा लंबे समय तक लाइफ नहीं जी सकते, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज़ ऑल्सो वेल्थ।
तो अपने बॉडी का हेल्थ का, अपने बॉडी के हेल्थ का ध्यान रखना जिस प्रकार से आवश्यक है, उसी प्रकार से अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बिकॉज वी आर लिविंग इन अवर लाइफ, ऑल द एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट ऑन अवर माइंड। सो दैट्स वाई अगर हम 15 से 20 मिनट का समय निकाल के, इफ़ वी आर प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, इफ़ वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा विद फुल अटेंशन एंड डिवोशन, देन दिस इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। वी आर इन्वेस्टिंग दिस टाइम इन ट्रेनिंग अवर माइंड, इन कल्टिवेटिंग अवर माइंड। सो दिस इज द नीड ऑफ आवर। सो दैट इज अवर रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ अस। आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट यही है कि हम अगर अपनी लाइफ के अंदर से 10 से 15 मिनट का हम समय निकालकर डेली बेसिस पे अगर हम इस हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग को हम प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, देन वी कैन फील द मिरेकल इन अवर लाइफ। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो, दैट वी वॉन्ट टू कन्वे द मैसेज दैट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस डूइंग दिस हरे कृष्णा मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ नीड ऑफ आवर। इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। इट इज नॉट कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे। इट इज नीड ऑफ आवर बिकॉज मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।